आराधना के लिए अर्जुन बैठ गए और शिव आराधना के समय में ही उनको शिव जी जब प्रसन्न हुए थे तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ था। उससे पहले स्वर्ग की अप्सरा आ गई विचलित करने के लिए, और स्वर्ग की अप्सरा जब आई उसने अपने सारे जितने भी जतन थे वो सब शुरू किए, गाना बजाना सब कुछ किया। गाना सुनने के बाद किसी किसी व्यक्ति की, ज्यादातर लोगों का होता ना, हिलने डुलने शुरू हो जाते हैं, कोई अपने घुटने पर ताल दे रहा होता है, कोई ताली बजा रहा होता है, कुछ चुटकी बजा रहा होता है, और किसी किसी का गाना ऐसा होता है कि किसी किसी का खून खोल रहा होता है। उन्होंने तो बहुत तरीके इस्तेमाल किए, और जब वो सब कुछ करके अर्जुन को प्रभावित करने में असफल होने लगे तो सामने आकर पूछती है, मैं अच्छी नहीं दिखाई दे रही क्या? और अर्जुन ने एकदम कहा, हाँ माँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी दिव्यता मुझे प्रभावित कर रही है। अब वो कहती, मैं कहां से दिव्य हो गई, मैं तो दूसरे रूप में आई सामने। अर्जुन कहता है, देखने वाले की दृष्टि में सब कुछ होता है, दृश्य तो सारे वही होते हैं। और जैसे ही देखा के स्वर्ग की अप्सरा कुछ भी नहीं कर पाई, तब भगवान सामने आ गए शिव। और क्या रूप धारण करके आए? भगवान रूप धारण करके आए कि तुम बड़े अपने आप को बलि कहते हो, मेरे से लड़के दिखाओ। अब लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में बहुत तरह के दांव पेंच इस्तेमाल किया अर्जुन ने, और एक दांव पेंच भगवान को इतना पसंद आ गया कि वो अपने सही रूप में सामने आ गए। और जैसे सामने आए, अर्जुन ने देखा कि जिनकी आराधना कर रहा था वो तो जमीन से आसमान तक ऊंचे दिखाई दे रहे, वही तो सामने हैं और वही तो लड़ रहे थे। अर्जुन कहता है कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूं उसी से लड़ना पड़ गया। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को संघर्ष करना होता, माया नचाती है, उसकी परीक्षा लेती है, उसकी योग्यता की परीक्षा लेती है, और तुम हर योग्यता में कुशल हो गए, सफल हो गए, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, विजयी होने का आशीर्वाद देता हूं। और प्रसाद रूप में उन्होंने पाशुपत अस्त्र अर्जुन को दे दिया। अब महाभारत काल ने यह समझाने की चेष्टा की कि आपके सामने तरह तरह के आकर्षण आएंगे, यही माया का प्रभाव होता है। कहीं निंदा चुगली होगी, कहीं तारीफ होगी, कहीं आकर्षण सामने आएगा। अगर सबको आप पार कर जाते हैं, आप साधारण ढंग से लीजिए ना, आपको कहा जाए कि आपको अगर अपने स्वास्थ्य के लिए काम करना है तो सुबह उठकर आपको निकलना पड़ेगा, रजाई को कंबल को छोड़कर पार्क में जाना पड़ेगा। अब जैसे आपने संकल्प तो लिया, अलार्म भी आपका 5 बजे या 6 बजे बज गया, और फिर आपने अलार्म घड़ी को पकड़ा और कहा कि देखो तुम तो ठीक टाइम पर बज गए हो, लेकिन आज नहीं, कल, आज मजा बहुत आ रहा, नींद में बहुत अच्छा लग रहा है, कंबल बहुत अच्छा लग रहा है, रजाई बहुत अच्छी लग रही है, और बाहर थोड़ा सा कोहरा भी तो है, और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, क्योंकि बहाना बनाता है आदमी, अपनी गलती को ढकने के लिए बहुत तरह की चीजें करेगा, यही माया है। इस माया को तोड़कर जैसे कोई लात मारकर कंबल को फेंके और खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं किसी आलस्य को मानने वाला नहीं हूं, शुरू हो रहा हूं, बस वहां जीत।
कोई भी चीज जो आपकी राह में रुकावट बनकर आपको फिसलाए, फुसलाए, गिराए, भरमाए, समझ लेना वही गुरुत्वाकर्षण है, नीचे की तरफ खींचने वाली चीज, वही तो माया का प्रभाव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांच तरह की चीजें हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं, जिसका मतलब होता है नीचे ले जाना। अब आपको अगर नियंत्रण करना आए तो जाओगे आगे। और ये लोग जिन्होंने दुनिया में इतिहास रचे हैं, इनके साथ यही तो खास बात थी, अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखा, किसी भी आकर्षण में इतने पागल नहीं हुए कि अपना लक्ष्य भूल गए। कहते हैं कि बुद्धि वो चाहिए जो लक्ष्य पर लगी रहे, शुद्ध बुद्धि, और धैर्य के साथ खुद को नियंत्रित करे, समस्त विषयों के आकर्षण से संभाले रखे अपने आप को, राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेष का परित्याग कर दे, पक्ष विपक्ष में पड़कर कलह कलेश में अपने आप को उलझाए नहीं, रोके रखे अपने आप को। अब जो जो चीजें बताई गई हैं, ये वो सब चीजें हैं कि जो भगवान की तरफ ले जाने में तो सफलता दिलाती हैं, लेकिन इस दुनिया में भी आपको सफल करने में यही सब चीजें काम आएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि जितनी सात्विक और पवित्र होती जाती है उतनी तीखी भी होती जाती है। नया सीखना, नया जानना, चिंतन करना, मनन करना, एकाग्रता मस्तिष्क की बनी हुई हो और शांत मस्तिष्क हो, ऐसे मस्तिष्क में नए नए आइडिया आते हैं जो उसको और ऊपर ले जाते हैं। बेचैन मस्तिष्क हो, गुस्से में, तनाव में, चिंता में, किसी प्रेशर में रहता हो, कोई आइडिया नहीं आएगा जो आपको आगे ले जाए। जिस आदमी को अपना शरीर बलवान करना है उसे व्यायाम करना होगा, और जिसे अपनी प्राण शक्ति प्रबल करनी उसे प्राणायाम करना होगा, और जिसे अपने मन को मजबूत शक्तिशाली बनाना है उसे मन की एकाग्रता सीखनी चाहिए कि वो फोकस करना सीख जाए। जिस चीज को पाना चाहता है बस उसमें अपने मन को गड़ाए रखे, परमात्मा को वो चीज देनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रख लो। और जिस आदमी को अपने डिसीजन बढ़िया करने हैं उसे अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए, मस्तिष्क को शांत रखना सीखना चाहिए, धैर्य रखना आना चाहिए, शांत मस्तिष्क से बैठकर योजना बनाए, सही प्लानिंग करे और दिमाग को हिलने ना दे। आगे जो उन्होंने कहा है कि आपको अपने नियम को पकड़े रहना है, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में। मैं एक बड़ी अजीब चीज बताता हूं आपको, आपको अलग तरह की बात कह रहा हूं। द इमोशन नाम से एक पुस्तक लिखी गई, इमोशनल इंटेलिजेंस। डॉक्टर गोलमैन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और दुनिया के महान लेखक हुए, उन्होंने कुछ प्रयोग किए कि आदमी की बुद्धिमत्ता केवल इस बात पर नहीं होती कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में आईक्यू लेवल पर ही काम चलता है। आईक्यू लेवल में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि अच्छे नंबर ले सके आदमी, दिमाग तेज हो। लेकिन अब इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम उस व्यक्ति ने किया और यह कहा कि दुनिया में इससे अगली बुद्धिमत्ता जो है बौद्धिक क्षमता से बढ़कर
भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला आदमी संगठन के साथ मिलकर काम कर सकता है, दूसरों से काम ले सकता है। जहां उसे अपने को कंट्रोल करना कंट्रोल करेगा, जहां दूसरे को कंट्रोल करना है वहां कंट्रोल करेगा, जहां दया करनी है दया करेगा, जहां झुकना है वहां झुकेगा, जहां झुकाना है वहां झुकाएगा, जहां समझना है समझेगा, जहां समझाना है समझाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसने शुरुआत की कि इसकी जरूरत कैसे है, तो इस पर उसने काम किया कि 20 बच्चे चुने, 20 बच्चों को एक खास तरह की मिठाई वहां होती है जिसको मार्शमेलो बोलते हैं, या आप कह लीजिए चॉकलेट, उसे देने के लिए उसने बच्चों से कहा सबको एक एक मिलेगी लेकिन डबल उसे दूंगा जिनके हाथ में मैं अभी एक एक चॉकलेट दे रहा हूं, मेरे आने तक जो इसे खाएगा नहीं। मैं हो सकता 15 मिनट में आ जाऊं, हो सकता आधे घंटे में आऊं, हो सकता है इससे ज्यादा देर में आऊं, आपने अपने हाथ में इसे पकड़े रखना है और ऐसे देखते रहना, खाना नहीं। जो डबल लेने वाले लोग हैं, डबल की इच्छा रखते हैं बच्चे, मैं देखना चाहता हूं कितना डबल लेने वाले लोग हैं। 20 बच्चों को दिया और खुद जाकर एक ऐसी खिड़की में बैठ गया जहां से वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनको वो डॉक्टर गोलमैन नहीं दिखाई दे रहा। अब वो वहां से देख रहा है, बहुत सारे बच्चे खड़े रहे, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आया नहीं है। एक बच्चे ने खोल के देखा कि देखते तो हैं कैसी है, फिर उसमें से उसने कहा पूरी तो नहीं खाते, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कैसा स्वाद, उसे पता भी नहीं लगेगा। ऐसे करके उसने जो है थोड़ा सा चखा, चखने के बाद बोला या है तो बहुत स्वाद, मेरा तो मन कर रहा है थोड़ा चख लूं। दूसरे बच्चों ने कहा कि नहीं हमने तो डबल खाना है, तुम खाना नहीं। तो उसने कहा कि मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, उसने पहले जीभ से चाटना शुरू कर दिया। अब आप लोग जानते हैं एक खराब करने वाला आदमी हो जाए ना, उसे देखते देखते दूसरे का भी दिमाग खराब होता है। अब वो जैसे जैसे उसको खाने के लिए थोड़ा सा चाटे और बच्चों की तरफ देखे तो दूसरों का भी दिमाग खराब हुआ, उन्होंने भी खोलना शुरू किया, चलो खोल के तो देखते हैं। और देखते देखते 15-20 मिनट में कुछ तो रुके रहे, 20 मिनट आधे घंटे के बीच बीच में 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो खा पी के खत्म कर ली। 10 ऐसे थे डटे रहे, बोले तुम कमजोर पड़ सकते, हम तो नहीं डबल लेके रहेंगे। 40 मिनट गुजर गए, उन बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया मूर्ख हो तुम लोग, वो आएगा नहीं या तुम लिए खड़े रहो। 40 मिनट जैसे हो गए वो बच्चे माने नहीं, वैसे ही लेकर खड़े रहे। और इतने देर में डॉक्टर गोलमैन आ गया। मैं उस आदमी की बात करने लगा हूं जिसने दुनिया में इस चीज पर बहुत बड़ा काम किया कि ये IQ लेवल क्या है, ये EQ लेवल क्या है, ये SQ लेवल क्या है, ये RQ लेवल क्या है, ये AQ लेवल क्या है। मस्तिष्क का अलग अलग लेवल, अलग अलग योग्यताएं। जैसे AQ लेवल है एडवर्सिटी कोटिएंट, किसी बुरी स्थिति में, संकट की स्थिति में आप उसका सामना कैसे करते हैं, आप कितनी हिम्मत से सामना कर पाते हैं। कितने लोग घबरा के भाग जाते हैं ना, ये भी एक टैलेंट होता है। किसी का टैलेंट होता है वो और चीजों में तो बढ़िया नहीं, पैसा कमाना बहुत अच्छा जानता है, उस चाहे वो पानी बेच ले, गुब्बारे बेच ले, मिट्टी बेच ले, कुछ भी बेच लेगा, वहीं से पैसा खड़ा कर लेगा। अब जब इसने देखा कि ये 10 बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने वो चॉकलेट, वो मार्शमेलो खाए नहीं, लेके खड़े हैं, इसने उनके पास जाकर एक एक दी और साथ में सर्टिफिकेट दिया।
कि तुम लोग साधारण नहीं हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे पास खुद को नियंत्रण करने की ताकत है, ये पावर बहुत बड़ी है और इसे संभाल के रखना कि अपने आप को कंट्रोल कर सको, कि डबल पाना हो। आम आदमी औसतन जिंदगी जिएंगे, जिन्होंने खुद पर नियंत्रण कर लिया उनके पास हर चीज में डबल होगा, और दूसरे लोग देखते रह जाएंगे इनके पास इतना कुछ आ गया। ये कहकर के वो चला गया और उसके बाद उसने उनके बच्चों के नाम, उनका रिकॉर्ड रखना शुरू किया। और 20 साल बाद तक उसने अपने संस्मरणों में लिखा कि मैं हैरान हुआ कि वो बच्चे अपने फील्ड में बहुत सफल हो गए, कि उनके पास खुद को नियंत्रित करने की, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, उनका उपयोग करना उन्हें आता था। अब ये प्रयोग अमेरिका में हुआ, अब पूरी दुनिया में प्रयोग शुरू हो गए, सारे स्कूलों में, कॉलेजों में। अब जो अमेरिका में आप देखें तो जब किसी बड़ी कंपनी में आदमी रखा जाता है तो उसके साथ में उसका आईक्यू लेवल चेक करने के बाद फिर उसका जो ईक्यू लेवल है वो चेक किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं उसके, उसके बाद उसे बीच बीच में ट्रेंड करते रहते हैं कि बढ़िया परफॉर्म करने के लिए इस आदमी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और अगर वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा, एक मौका उसको देकर उसके बाद कहते कि फिर आप जाइए छोड़कर यहां से, या फिर आपका ग्रेड नीचे कर देंगे। उसके 3 महीने बाद फिर एक पेपर दिया जाता है कि आपको नौकरी पर क्यों रखा जाए, क्यों ना निकाल दिया जाए, अपनी खासियत लिखिए। आदमी को बताना पड़ता है, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये मौका दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में भी सफल होना है आपको तो भी आपको ये सारी चीजें चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, और अगर दुनिया के मालिक की कृपा पाना चाहते हैं तो भी आपको इनकी जरूरत है, इसलिए इस क्रम में चलिए। फिर से ध्यान दीजिए, शुद्ध बुद्धि, स्वयं पर धैर्य पूर्वक नियंत्रण, शब्द आदि, रूप रस गंध आदि जो विषय हैं जिन पर व्यक्ति विचलित होता है उनको छोड़ पाने की क्षमता, राग द्वेष से ऊपर उठने का सामर्थ्य। इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आप को ऊंचा करिए। अब राग द्वेष वाली बात, कुछ चीजें जो आपको दुनिया में अपनी तरफ खींचते खींचते अटैचमेंट पैदा कर दें, वो राग जिनका बार बार ध्यान आएगा आपको। और कुछ चीजें ऐसी जिनका नाम आते ही आपका खून खोलने लग जाए, गुस्सा आए, नहीं चाहिए, इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसका नाम नहीं सुनना चाहता, या कोई चीज जो नहीं पसंद होती आपको, किसी को कोई रंग पसंद नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्लेट पसंद नहीं है, कोई कटोरी पसंद नहीं, वो कहेगा ये वाला नहीं मुझे चाहिए, कोई सब्जी पसंद नहीं, जिस चीज से भी आप दूर भागना चाहते हैं और जिस चीज को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, का ये 2 चीजें हैं जिस पर आपका मन घूमता रहता है। बैरी का चेहरा बार बार सामने आता है, और जिसके साथ लगाव होता है उसका भी चेहरा सामने आएगा, बार बार वही तो दिखाई देगा। का भजन में भंग डालेंगे, आपके ध्यान में बाधा डालेंगे ये, और अगर इनसे आप मुक्त होना चाहते हैं तो दोनों को छोड़कर आइए। पुराने जमाने में ऐसे लोगों का, भक्तों का नाम मिलता है ना, एक तहसीलदार साहब थे। आप लोग पटवारी और तहसीलदार के बारे में अगर सुना हो
पहले पटवारी की भी बहुत कीमत होती थी, आजकल भी पटवारी होते हैं, जमीन जायदाद का हिसाब किताब रखने वाले, आंकड़े रखने वाले लोग जो हैं, उनसे ऊपर वाला ऑफिसर जो है वो तहसीलदार। और कितनी कीमत होती थी इनकी पटवारी की, सारा आंकड़ा रखना। अंग्रेजों के समय में तो हालत ही अलग थी, अगर किसी की जमीन को ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया, उसने किसी के नाम पर चढ़ा दिया, तो समझ लीजिए आपकी तो जमीन गई। वो एक पटवारी था ना जिसके पीछे शराब पी हुई थी, उसके पीछे कुत्ता लग गया। अब कुत्ता जो है उसके पीछे भौंकता भौंकता जा रहा है, वो भाग रहा, गांव के लोगों ने देखा, मजाक करने लगे जिससे डरते थे बहुत, और सबने कहा पटवारी साहब ये डर नहीं रहा आपसे। अब पटवारी जो है वो ऊंचाई पर चढ़ के खड़ा हो गया, अब कुत्ता नीचे खड़ा होके भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा ये डर नहीं रहा आपसे, आपसे तो सारी दुनिया डरती है। बोले क्या करें, इसके पास अगर 2 बीघा जमीन भी होती तो मैं बता देता इसको पटवारी क्या होता है, अब इसके पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं। नवजीवन साधना, क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है क्या? तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं। अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा। भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।